बैक टू माई चैनल हैशो फैशन और मैं हूँ आपका की ऐश्वर्या। तो मैं बहुत सारी DIYs, रेमेडीज, ब्यूटी टिप्स आपको बताती रहती हूँ कि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। आई नो आप नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होती है, बहुत ज़्यादा लेजी बना भी आता है, इंग्रीडियंट्स कभी नहीं मिलते हैं, बट ऐसे नहीं है। मैं सारी DIYs और ब्यूटी हैक्स, रेमेडीज़ जो भी बताती हूँ ना, वो सारे इंग्रीडियंट आपको घर में ही मिल जाएंगे, फिर भी आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ एक रेमेडीज और DIYs आप ट्राई करते हैं, बस सारे के सारे रेमेडीज DIYs नहीं ट्राई करते हैं बिजी शेड्यूल होने की वजह से। और साथ ही साथ आप चाहते हैं आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करे, कुछ करना भी ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हुए कुछ चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। आप अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, स्काई टैन, सन टैन, सर्कुलेशन, पिंपल्स, रिंकल्स, ग्लोइंग स्किन, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि कुछ एक सोल्यूशन आपको मिल जाए इन सारे प्रॉब्लम का, तो कितना अच्छा होगा ना। तो इन सारे प्रॉब्लम का ना सिर्फ एक सोल्यूशन हो सकता है और मैं वही वाली चीज़ आपके साथ लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये कोई रेमेडी नहीं, कुछ DIY नहीं है, बहुत ही पुराना आपको जाना पड़ेगा। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे बताओ, इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते ही नहीं थे जो आज हम लगाते हैं, इतने सारे ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हमारी स्किन को ग्लो करते हैं, चमकाते रहते हैं। तो क्या उस समय लोग अपनी स्किन को चमकाते नहीं थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, फिर भी वो अपनी स्किन को चमकाते थे घरेलू नुस्खे से और कुछ एक उपाय करके। वही उपाय आज हम ट्राई करेंगे। यस गाइस, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर जाओगे। तो इससे पहले कि आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मतलब मुद्दे पे पहुंच जाओ, मैं ही चलती हूँ। तो स्टीमिंग यानी कि फेस स्टीमिंग करेंगे। पहले ज़माने के लोग ना स्टीमिंग बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, भाप लेते थे सही वाला तरीके से। इससे क्या होता है पहले ये तो जान लें, उसके बाद हम प्रोसेस पे चलेंगे। इससे क्या होता है, 5 से 10 मिनट की स्टीमिंग से ना आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हेल्दी बन जाती है स्किन। डेड स्किन सेल्स में जितनी भी गंदगी होती है ना, वो सारी सारी निकल जाती है, पोर्स बहुत ज़्यादा साफ हो जाते हैं आपके, नेचुरल ग्लो करने लगती है आपकी स्किन, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, नेचुरल हो जाती है, नेचुरल ग्लो करती है, स्किन की ना अच्छी खासी सफाई हो जाती है। तो अब देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है, इसको करने का किस तरीके से आप करोगे ना, तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगी। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, और लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी बताकर जाऊँगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो लेट्स रोल ऑन। प्रोसेस अब बात कर लेते हैं ना बेनिफिट्स की, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो गए हैं, तो स्टीमिंग लेने से 5 से 10 मिनट के आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड आराम से निकल जाएंगे और आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करता है, जिससे आपकी स्किन ना नेचुरल ग्लो करती है और अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है। तभी हम हो गए हैं बहुत सारे रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ, तो 5 से 10 मिनट की स्टीमिंग लेने से ना आपके रिंकल्स सारे के सारे ना धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। और 5 से 10 मिनट की स्टीमिंग लेने से ना आपकी जितने भी ड्राई स्किन होगी काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई है ना, तो वो भी टाइट हो जाती है, तो काफ़ी अच्छे। और पिंपल्स, तेली ग्रंथि ना जब बहुत ज़्यादा गंदगी से भर जाती है तो हो जाते हैं हमें पिंपल्स, 5 से 10 मिनट की स्टीमिंग से ना आप पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। तो करना क्या है, आपने स्टीमिंग लेनी है 5 से 10 मिनट, आपके जो पिंपल्स में जो दाने होते हैं, जो उसमें पस होता है, वो निकल जाता है और धीरे धीरे ना इसके दाग भी हट जाते हैं। तो आपने करना क्या है, 5 से 10 मिनट की स्टीमिंग लेनी है और उसके बाद आपको बर्फ से मालिश करनी है, तो आप देखोगे आपके पिंपल्स के जो दाने हैं ना वो धीरे धीरे हट जाएंगे और इसके दाग भी ना धीरे धीरे हट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलता है इसका पिंपल्स पे भी। तो ये तो थे बेनिफिट्स, अब बात कर लेते हैं ना टिप्स की, जो मैंने बोला था आपको लास्ट दिन में ज़रूर बताऊंगी। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप स्टीमिंग लेना तो अपनी आंखों को बंद कर लें, ये काफ़ी कंफर्ट वे होता है स्टीमिंग लेने का। तो आंखों बंद रहेंगी ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप स्टीमिंग का लुत्फ ले सकेंगे यानी इन्जॉय कर। टिप नंबर 2, जब भी आप स्टीमिंग लेना तो स्टीम बाउल को ना थोड़े से दूर रखें, यानी कि 5 से 6 इंच आपको उसको दूर रखना है, वरना आप अपनी स्किन को ना जला लेंगे। और मैं ये चाहती कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा है ना, तो आप में से कोई भी लोग
थोड़ा सा जल जाएं, बिल्कुल भी नहीं, आपने दूर रख के ही वो काम करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो मैं समझाना चाहती हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड और फैमिली के साथ को शेयर भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, मेरे आने वाले वाले वीडियोज़ की ना लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी, मेरे और आपके बीच में कनेक्शन की कोई दूरी नहीं रहेगी। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, गाइस, बाय बाय।